झारखंड के मशहूर चित्रकार उज्जवल घोष का हजारीबाग में निधन हो गया। उज्जवल घोष कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक वे 46 वर्ष के थे और किडनी बीमारी से पीड़ित थे। रांची के डॉक्टर वैद्य से उनका इलाज चल रहा था। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें एक सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी थी। हजारीबाग के मटवार स्थित जागो गली निवास में उज्जवल घोष ने अंतिम सांसें ली। हजारीबाग के मतवारी मोहल्ला जागो निवास के समीप वे अपने परिवार के साथ रहते थे। चित्रकार उज्जवल के निधन होने से पेंटिंग सीखने वाले विद्यार्थियों को भारी क्षति हुई है। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न शहरों में लगे प्रदर्शनियों में उन्होंने अपनी चित्रकारी प्रस्तुत की है। उज्जवल घोष 4 भाइयों में 3रे नंबर पर थे। उज्जवल घोष की पत्नी स्थानीय होली क्रॉस स्कूल में शिक्षिका है। उनका एक बेटा है। उज्जवल घोष पेंटिंग स्कूल चलाते थे लेकिन जब से उनका शरीर कमजोर पड़ा वे स्कूल चलाने में असक्षम हो गए। उनके घर में कमाने वाली मात्र उनकी पत्नी भावना घोष है। वहीं उनका इकलौता बेटा भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।